गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. बेटा टुडे वी विल रिवाइज आवर पीटी फोर्थ सिलेबस. टुडे आई एम गोइंग टू रिवाइज चैप्टर 30 ह्यूमन बॉडी पार्ट्स. आज हम ह्यूमन बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे. इसको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है. ह्यूमन बॉडी पार्ट्स मीन्स ह्यूमन मीन्स मानव, बॉडी पार्ट्स मीन्स अंग, यानी हमारे बॉडी में अलग अलग अंग है, कई तरह के अंग पाए जाते हैं. हमारा जो बॉडी है वो अंग से मिलकर बना है. इसमें कुछ इंटरनल ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन मीन्स या बॉडी पार्ट्स मीन्स अंग, और कुछ एक्सटर्नल. एक्सटर्नल जैसे जो आपको दिखाई दे, जो आपको बाहर से दिखाई दे, जिसे आप देख सकें उसे एक्सटर्नल कहते हैं, और जो जिसे आप देख नहीं सकते उसे इंटरनल ऑर्गन कहते हैं, आंतरिक अंग कहते हैं. तो आज आप इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे. एक्सटर्नल तो आप देख ही रहे हो, आईज है, नोज है, ईयर है, हेयर है, हैंड है, सब क्या है, एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं. और जो इंटरनल है वो क्या है, हार्ट है, लंग्स है, स्टमक है, ब्रेन है, ये सब आप देख नहीं, इन सब ऑर्गन्स को आप देख नहीं सकते. तो आप आज आप इस इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ोगे. Everyone open page number 50. Human body parts. A human body is made of many vital organs. जो मानव शरीर है, vital means महत्वपूर्ण अंगों से, organs means अंग, organ means अंग. Organs means अंगों से मिलकर बना है. जो हमारा बॉडी है वो कई अंगों से, कई ऑर्गन से मिलकर बना है. ऑल दीज ऑर्गेन वर्क टुगेदर टू कीप आवर बॉडी हेल्दी. ये जो सभी ऑर्गेन हैं वो एक साथ काम करते हैं हमारे बॉडी को हेल्दी रखने के लिए. सारे ऑर्गेन साथ साथ काम करते हैं. ऑल दीज ऑर्गेन वर्क टुगेदर. ये जो ऑर्गेन है वो साथ साथ काम करते हैं टू कीप आवर बॉडी हेल्दी, और हमारे बॉडी को हेल्दी रखते हैं. नेम द बॉडी ऑर्गन्स विद द हेल्प ऑफ द हिंट्स गिवन बिलो. यहाँ हिंट्स दिया गया है जिसके हेल्प से आप इस बॉडी पार्ट को बताएंगे. नंबर वन, दिस ऑर्गन कंट्रोल्स ऑल द फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी. ये जो ऑर्गन्स है वो हमारे बॉडी के, हमारे शरीर के सभी फंक्शंस मीन्स कामों को कंट्रोल मीन्स नियंत्रित करता है. ये जो अंग है वो हमारे बॉडी के सारे फंक्शन को कंट्रोल करता है. तो ये क्या है, ब्रेन. यस, ब्रेन जो है वो पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है. तो नंबर वन क्या है, ब्रेन. नंबर वन ऑर्गन क्या क्या है, ब्रेन, जो पूरे बॉडी के फंक्शन को कंट्रोल करता है वो ब्रेन है. नंबर टू, दिस ऑर्गन पंप्स ब्लड इन द बॉडी. ये जो ऑर्गन है हमारे बॉडी को ब्लड पंप करता है. ब्लड कौन सा ऑर्गन पंप करता है, यस हार्ट. जो आपका हार्ट है वो बॉडी को ब्लड पंप करता है. तो नंबर टू ऑर्गन इज हार्ट. नंबर थ्री, दिस ऑर्गन हेल्प्स यू टू ब्रीथ. ब्रीथ मीन्स सांस लेना. आप किस ऑर्गन से सांस लेते हो, एक्सटर्नल में तो आपका नोज हो गया, लेकिन इंटरनल क्या है, यस लंग्स. आप लंग्स के हेल्प से सांस लेते हो, ब्रीथिंग करते हो. तो दिस ऑर्गन हेल्प्स यू टू ब्रीथ. यह जो ऑर्गन है वो आपको ब्रीथ करने में हेल्प करता है. तो ये कौन सा ऑर्गन है, नंबर थ्री लंग्स. लंग्स मीन्स फेफड़ा, ब्रेन मीन्स दिमाग, हार्ट मीन्स दिल या हृदय. नंबर फोर, दिस ऑर्गन प्यूरिफाइज द ब्लड. ये जो ऑर्गन है वो ब्लड को प्यूरिफाई, शुद्ध करता है. ये जो ऑर्गन है, ब्लड मीन्स खून या रक्त को प्यूरिफाई मीन्स शुद्ध करता है. तो किडनीज, ये क्या है, किडनी. किडनीज जो है वो आपके ब्लड को शुद्ध करता है. तो नंबर फोर इज किडनीज. नंबर फाइव, दिस ऑर्गन हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड. ये जो ऑर्गन है वो किस में हेल्प करता है,
फूड के डाइजेशन में, डाइजेशन मीन्स पाचन क्रिया, पचाने में, भोजन को पचाने में जो ऑर्गन है वो हेल्प करता है। तो इस ऑर्गन का नाम क्या है? यस, स्टमक। स्टमक जो है वो फूड का डाइजेशन करता है। नंबर फाइव इज स्टमक। नंबर सिक्स, दिस इज द ओनली ऑर्गन दैट कैन रीजनरेट इट सेल्फ। ये जो ऑर्गन है वो अपने को खुद, जिसे पुनर्जन्म कहते हैं, यानी खुद अपने अपने को बना लेता है। अगर ये टूट फूट गया तो फिर अपना रीजनरेशन यानी दोबारा ये खुद बन जाता है, खुद अपने को दोबारा मेंटेन कर लेता है। और इस ऑर्गन का नाम क्या है? लीवर। लीवर जो है खुद रिजनरेट हो जाता है। दिस बॉडी, दिस इज द ओनली ऑर्गन दैट कैन रिजनरेट, जो खुद ही रिजनरेट हो जाते हैं, नहीं पुनः दोबारा वो खुद सही हो जाता है। नेक्स्ट, डिड यू नो आवर बॉडी हैज टू किडनीज एंड टू लंग्स। क्या आप जानते हो हमारा जो बॉडी, हमारे बॉडी के पास दो किडनी, टू किडनीज हैं एंड टू लंग्स भी हैं, दो फेफड़े हैं और दो किडनीज हैं। तो आज आपने आप ह्यूमन बॉडी पार्ट्स पढ़ा, और किसके बारे में? इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में। इंटरनल मीन्स आंतरिक अंग, जो बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, जिस ऑर्गन को हम देख नहीं सकते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स हमें दिखाई नहीं देता है। और आपने ब्रेन के बारे में, जो पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, पूरे बॉडी के फंक्शन को, और तो ब्रेन के बारे में पढ़ा। हार्ट जो बॉडी को ब्लड पंप करता है, और जिस बॉडी पार्ट से हम ब्रीथ करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, लंग्स, और जो ब्लड को प्यूरीफाई करता है, किडनीज, जो फूड का डाइजेशन करता है, स्टमक, एंड जो खुद रिजनरेट होता है, लीवर। इसके बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट बेटा, अब इस टॉपिक से आपका मिसलेनियस वन, मैंने पूरा 28 to 34 मैंने मिसलेनियस वन बनाया है। तो आप इस चैप्टर्स को, बुक एंड मिसलेनियस वन, दोनों प्रिपेयर करेंगे फॉर PT 4। ओके, और आपका इसके बाद टेस्ट भी इसी में, जो रिवीजन टेस्ट है वो भी होता रहेगा। ओके बेटा, बाय।